आज सुपरमार्केट में सेल चल रहा था तो मैंने दो बैग भर के सामान बाय कर लिया है। काफी सस्ते में चीजें मिल गया। चलो अभी फटाफट से रोड को क्रॉस करते हैं। अभी तो ग्रीन लाइट होके रखा है। अरे भाई साहब, अबे यार ये क्या हो रहा है? मुझे गाड़ी ने धक्का मारा था लेकिन मैं ऊपर से कैसे गिर रहा हूँ? ये चल क्या रहा है मेरे साथ? भाई साहब मैं तो बहुत जोर से गिरने वाला हूँ। अरे यार क्या गिरा हूँ मैं? लेकिन ये जगह कौन सी है? इधर तो बहुत ही अजीब सा वेदर होके रखा है। मुझे काफी अजीब लग रहा है इधर। ओके उधर कोई खड़ा हुआ है, चलो मैं उससे पूछ लेता हूँ। मैं सुपरमार्केट से सामान बाय करके लाया था फिर मुझे गाड़ी ने धक्का मारा था, लेकिन ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? हेलो भाई साहब, आपको पता है कौन सी जगह है? एक और नया आत्मा आ चुका है। तूने तो बहुत कुछ कांड करके रखा है। अब तू बता, नरक के अंदर तू तेल में तलेगा या फिर 100 साल मजदूरी करेगा? भाई साहब क्या मैं मर चुका हूँ? अरे भाई ये क्या बकवास है? अबे यार उस गाड़ी ने मुझे इतना भी जोर से नहीं मारा था। लेकिन भाई साहब आप है कौन? आप मुझे तेल में तलने वाला है कौन? मैं तेल में भी नहीं तलने वाला हूँ और मैं 100 साल मजदूरी भी नहीं करूंगा। मैं मेरी घर जाऊंगा। हर एक आत्मा यही बोलता है, उसको घर जाना है। लेकिन मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। नरक से कुछ पावरफुल डीमंस भाग के धरती में चला गया है और घोस्ट राइडर भी मेरे ऑर्डर नहीं मान रहा है, इसलिए मैं तुझे दूंगा घोस्ट राइडर की पावर। तू धरती में जाकर उन डीमंस को मार के फिर से नरक भेजेगा, तो फिर मैं तुझे जिंदा करूंगा। बता क्या तुझे मेरे शर्त मंजूर है? अगर घर जाने के लिए मुझे सब करना पड़े तो मैं करूंगा। वैसे भी मेरे पास घोस्ट राइडर की पावर आ जाएगा। चलो ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। सारे डीमन को बहुत ज्यादा पीटना। अब तू आ जा, मैं तुझे भेजूंगा नरक से बाहर। जा चला जा। और भाई साहब मेरे साथ हुआ क्या था? ओके मुझे भी याद आ चुका है। मैं सामान लेके जा रहा था फिर मुझे किसी ने ठोका, फिर मुझे हिल से घोस्ट राइडर की पावर मिल चुका है। सच में यार मैं तो स्केलेटन बन चुका हूँ। लेकिन मेरे खोपड़ी में आग जल रहा है। पर मुझे कौन सी गाड़ी ने मारा था? ये रहा मेरा सामान की बैग। ये बैग इधर पिक के आ चुका है, कोई मेरे सामान को उठाया नहीं, ये अच्छी बात है। वो रहा शायद वाले गाड़ी, वो जाकर उधर ठोक दिया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कमॉन कमॉन, आ रहा है अरे ठोक के भाग रहा है इसकी ऐसी की तैसी। ओबे निकल गया भाग कर, इसको तो मैं देख लूंगा। भाग के जाएगा कहाँ पर? एक से रुको, मुझे इतना पता है घोस्ट राइडर के पास अपनी बाइक है, तो मैं मेरी बाइक को बुलाता हूँ। ऑल राइट, सच में मुझे काफी अजीब सा बाइक मिला है। अबे यार ये तो घोस्ट राइडर की बाइक नहीं है, ये तो कोई एक फुद्दू सा बाइक दे दिया मुझे। मैं शायद सेकंड घोस्ट राइडर बना हूँ इसलिए मुझे ऐसा बाइक मिला है। खैर जो भी हो, अब मुझे इसी से काम तो चलाना पड़ेगा। वैसे बाइक काफी तेजी से भाग रहा है और वो वाला बंदा गया है इस तरफ। अरे वो बंदा इतना जल्दी गाड़ी लेकर कहाँ पर चला गया है? उसकी गाड़ी ब्लैक कलर का था, मैंने देखा है। ये रहा ब्लैक कलर की गाड़ी। लेकिन इधर खाने की साउंड आ रहा है, कौन किसको खा रहा है? भाई साहब ये क्या है? इतने सारे डिमांड सारे के सारे वारकर को मार के इधर खा रहा है। और ये वाला बंदा शायद गाड़ी चला रहा था, ये भी गाड़ी ठोककर खुद मर चुका है। चलो आखिरकार मुझे डिमोन तो दिख गया है, इन सबको मार कर मुझे भेजना होगा हेल, तो फिर मिफिस्टो मुझे पूरी तरीके से जिंदा करेगा, नहीं तो अपन को फिर से मार डालेगा। चलो इनको रोकते अपन। और डिमोन के बच्चे सबके सब रुक जाओ, फिर से तैयार हो जाओ नरक में जाने के लिए। अरे खाने के टाइम पे कौन आ चुका है? अरे बोल रहा है हमें नरक भेजेगा। अरे भाइयों पहले इसको मारो, इसको पहले हम लोग नरक भेजेंगे। भाई साहब सभी अभी उठ के मुझे मारने लग गया है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या है? अबे यार मुझे घोस्ट राइडर की पावर मिला है उनको मारने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे मार के हवा में उड़ा दिया है। इतने खतरनाक डिमन मैंने आज तक नहीं देखा है। बट तुम लोग ये लो। ऑल राइट क्या आग मारा है, ये एक झटके से 8-10 उठ चुका है, ये खाओ तुम लोग। ये अच्छी बात है कि घोस्ट राइडर के पास काफी खतरनाक पावर्स हैं। चल तेरे पाप देखते कितना है। ऑल राइट डिमोन के आंख में आग लगा दिया है, चलो खुद ही जल के मर जाएगा इसकी पापों से। ओके इसको भी रोक लिया है, ये खाओ तुम लोग। अबे यार कहीं से ये फायर ब्रिगेड वाले भी आया है और खुद भी मर चुके हैं, कहां से आ गए थे लोग? ये खाओ तुम लोग। घोस्ट राइडर के सामने कोई नहीं टिक सकता, इधर एक भाग के छुपने की कोशिश कर रहा है। तू भाग के जाएगा कहां पर? अबे उधर कोई भाग चुका है, लोगों के घर के अंदर घुस रहे लोग, तुम्हारी ऐसी की तैसी। चल आ जा तू इधर, लोगों के घर के अंदर छुपेगा तू, ये का। चलो इसको चेन से उड़ा दिया है, ये मर गया। और कोई डिमन बच रहा है? अरे ये बच रहा है, आ जा तू चेन से पकड़ में, और तू भी मर जा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ले तू चेन की वार। खैर कोई बात नहीं, सारे डिमन तो मर चुका है और ये लोग इधर मरेंगे, सीधा उठेंगे नरक के अंदर। उधर कोई छुपा हुआ है? अरे हाँ सच में उधर कोई छुपा हुआ था, अभी ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये कौन है? शुक्रिया भाई साहब मेरा जान बचाने के लिए,
मैंने देखा है आपने सारे डीमन को मारा है। मैं हूँ इस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक। आज ही मैं काम देखने के लिए आया था, लेकिन अचानक से काफी सारे डीमन आया और मेरे सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर को मार डाला। ये लोग मार के खाने लगे और मैं किसी तरह जाकर उधर छुप गया था। मुझे लगा था कि आज मैं बच कर घर नहीं जा पाऊंगा। शुक्रिया मेरे जान बचाने के लिए। मेरे पास जो भी पैसा था आप रख लीजिए, मैं भागता हूँ इधर से। ऑल राइट, इस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक ने मुझे दे दिया है $5,00,000 और अभी खुद डर के मारे भाग रहा है। इसने शायद अपने पैर में सुसु भी कर दिया था, पता नहीं क्या जो भी हो। इसको लगा था मर जाएगा, बट कोई बात नहीं, हमारे पास है $5,00,000। ऑनलाइन सबको मैंने खोल लिया है, देखते $5,00,000 से कौन सा सूट मिल रहा है। ये मैंने कर दिया बाय। ऑल राइट, $5,00,000 से हमें काफी खतरनाक वाली घुसेटर की सूट मिला है और ऐसा लग रहा है इस बार मेरे पूरी बॉडी में आग चल रहा है, मतलब मेरे आग की ताकत बढ़ गया है। शायद इस बार मैं बहुत ही ऊंचे जंप लगा सकता हूँ और उड़ भी सकता हूँ। ओके, मेरी ताकत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे सारे के सारे डीमन को नरक भेजना होगा, नहीं तो एक दिन के अंदर मेफिस्टो अपनी सौल लेके फिर से चला जाएगा। तो देखते हैं बाकी के डीमन्स है कहाँ पर। लेकिन मुझे आसपास कोई डीमन तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई, इसी टाइम में किसी ने कॉल किया है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ किसी ने कॉल किया है। ओके, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कॉल किया है, इसको क्या चाहिए? ओए फ्रैंकलिन, क्या तेरे घर में टोनी क्या है? अरे नहीं, टोनी तो मेरे घर में नहीं आया था, लेकिन हुआ क्या है? अरे आज सुबह अचानक से घोस्ट हंटर आ गया था टोनी के मेंशन में, उधर हल्क भी था। मैं कुछ काम के लिए बाहर चला गया था, अभी आके देख रहा हूँ मेंशन के अंदर कोई भी नहीं है, टोनी भी नहीं है, घोस्ट हंटर नहीं है और हल्क भी नहीं है। मैं मेरी मैजिक से भी उनको ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बात है, इसलिए मैं भी बोल रहा था घोस्ट हंटर उसकी बात नहीं मान रहा है, मतलब घोस्ट हंटर गायब हो चुका है कहीं पर। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, तू कॉल रख। इसका मतलब क्या किसी ने घोस्ट हंटर को बंदी बना लिया है? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? सिटी के अंदर तो मैंने चेक किए थे, कुछ भी नहीं दिखा था। चलो अभी अपन चलते हैं सैंडी सोर की तरफ। उड़कर मैं आ चुका हूँ सैंडी सोर पर, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अबे यार, वो लोग क्या इस वाल से गायब हो चुका है? क्या वो लोग भी मर गया है? अबे ये क्या हो रहा है सैंडी सोर में, ये क्या बन चुका है? चलो मैं फटाफट से चल के चेक करता हूँ। कुछ तो हो रहा है इधर, काफी जोर से धुआं उठ रहा है और अजीब सा एक बैरियर टाइप का बन के रखा है। हर एक जगह पर हड्डी हड्डी है और नीचे खड़ा है स्केलेटन, वो भी गन लेकर। अबे चल क्या रहा है, एक सेकंड रुको, ओ रासत आयरन मैन। क्या हो गया, तुम तीनों पिकनिक मनाओगे? हाँ, अभी ये धरती नॉर्मल नहीं रहा है, हम जैसा डीमन की घर बन चुका है। तुम तीनों में से मैंने हाल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, बाकी तुम दोनों की पावर को मैंने ड्रेन करके नरक में भेज दिया। अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहले मैं इस आयरन मैन को ही मारूंगा। अरे डीमन के बच्चे, तू मुझे क्यों मारेगा? तुझे घोस्ट हंटर से बदला लेना है तो तू उसको मारे। अरे लेकिन तू अब मुझे मार भी नहीं सकता, तेरे पीछे एक और घोस्ट हंटर आ चुका है। क्या बात कर रहे, एक और घोस्ट हंटर? अरे हाँ सच में, ये कहाँ से आ गया? खैर बेवकूफो, देख क्या रहे हो, मार डालो उसको। अबे टोनी के बच्चे, तूने देखा तो देखा है, बोलने की क्या जरूरत था, उसको पता चल गया है। कम ऑन, ये मारा है इसको, एक स्केलेटन को उड़ा दिया है। तुम सब की ऐस की तैसी हड्डियों की दुकान, तुम लोग मुझे मारोगे? भाई साहब, मेरी ताकत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, इनको तो मैं ऐसे ही मार रहा हूँ, ये एक एक झटके में मर रहा है। चल निकल इधर से, ऐसे स्केलेटन मुझे रोकेगा? मेरे पास और कोई पावर है? कम ऑन, ये खाओ तुम लोग। ओके, मैं मेरे हाथ से आग को भी छोड़ सकता हूँ, सबको मैं जलाकर राख कर दूंगा, इन हड्डियों को फिर से मैं जलाकर हड्डी ही बना दूंगा। कमॉन मर जा सबके सब। ऑल राइट, इसको भी जला दिया है, अभी भी मुझे कोई मार रहा है। कमॉन तेरी तो, भाग इधर से। ऑल राइट, इसको भी उड़ा दिया है। अब डीमन के बच्चे तेरी बारी है, तेरे सारे स्केलेटन को तो मैंने मार दिया है, अब तू क्या करेगा? मैं ये करूंगा, तुझे मैं तबाह कर दूंगा। मैंने बोला था मैंने हाल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब हाल की पावर के साथ मेरे पावर भी मिल चुका है। अब इतने सारे पावर से मैं तुझे कुचल के रख दूंगा। एक हाथ वेले भाई साहब, तो मुझे मारने का मौका ही नहीं दे रहा है, देख रहे हो हल्क की तरह अटैक कर रहा है। गाइस, इसको हराने के लिए आप लोगों की लाइक चाहिए, जल्दी से लाइक करो और मैं इसको हराने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई छोड़ दे, कितना मारेगा मुझे, इसने हाल की सारे अटैक को कॉपी कर लिया है, इसकी ऐसी की तैसी, अब तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। कम ऑन, एक और, ये ले मेरी आग की झटका, मेरे आग से भी ये बहुत ज्यादा डैमेज खा रहा है, क्या मैं इसको जला सकता हूँ? ओके यार, मैं नरक के डीमन को फिर से जला रहा हूँ, अब क्या हो गया, मार के दिखा, इस वाली आग से कोई नहीं बच सकता। देख रहे हो, इसको मैंने जलाकर राख कर दिया है, ये पूरी तरीके से जल चुका है और उठने की हिम्मत ही नहीं है इसके पास। खैर ये तो क्या, अभी मैं चल कर सब कुछ छुड़ाता हूँ। अरे टोनी तू क्या पागल है, तुम लोग तीन हो, वो अकेला डीमन था, उसने तुम लोगों को पकड़ा कैसे? अरे ये सब हुआ है घोस्ट हंटर की वजह से, वो सुबह सुबह मेरे मेंशन में आया, बोल रहा है कि मेरे ताकत काम नहीं कर रहा है,
मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। और उसी टाइम पे हाल्क ने भी बोला, मैं भी बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए। तो इसलिए हम तीनों मिलकर थोड़ा सा घूमने के लिए इधर आ चुके थे। और घोस्ट राइडर नरक से कोई जूस लेके आया था, उसको पीने के बाद हम लोग थोड़ा सा नाचने लगे। उस टाइम पे डीमोन आकर हम तीनों को पकड़ लिया और पकड़ कर हाल्क की ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा ये बात है, इसका मतलब आप तीनों के पास ही पावर नहीं है। ठीक है तुम लोग अभी मेंशन चले जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। उनकी हेल्प करने के चक्कर में मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं मिला, मुझे सूट को अपग्रेड भी करना था। अगर कोई पावरफुल डीमोन आ गया तो मुझे मार डालेगा, मैंने सूट को अपग्रेड नहीं किया है। अरे भाई इधर क्या चल रहा है, दूर से दिखा नहीं है लेकिन किसी तरह का अजीब सा रैम बना हुआ है इधर। चलो देखते हैं रैम कहाँ से शुरू हो रहा है। इधर एक बॉल भी ऊपर नीचे हो रहा है, चल क्या रहा है। ओके इधर से हो रहा है स्टार्ट। इधर तीन बंदे भी खड़ा हुआ है, ये लोग कौन है? अरे भाई साहब ये लोग भी तो किसी तरह के डीमन है। अबे तुम लोग की ऐसी की तैसी, तुम लोग नरक से भाग कर इधर क्या कर रहे हो? और ऐसा लग रहा है तीनों के तीनों ही डिप्रेशन में है। लेकिन जो भी हो तुम लोग जाओगे भी सीधे नरक। हाँ अब तो लग रहा है नरक लौट के जाना ही सही रहेगा। हम तीनों भाई नरक के अंदर बोर हो गए थे तो हम लोग तीन टोनरी गोल लेकर आ गए थे धरती पे। इतना मुश्किल से स्टैंड रेस बनाया, हम लोगों ने सोचा था कि गोल्ड की लालच में कोई तो आकर इस रेस को करेगा और हमें थोड़ा एंटरटेन करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा उपाय लग रहा है। चलो ठीक है, वैसे भी लोग मुझे डिप्रेसी लग रहा है। अगर स्टंट करने से तुम लोग खुश हो जाओगे तो मैं स्टंट रेस कर लूंगा, लेकिन पक्का मुझे गोल मिलेगा ना। क्या बात कर रहा है, तू स्टंट रेस को करेगा? भाइयों ये हमें एंटरटेन करेगा, हमने एक रूल को सेट किया है, तुझे मिलेगा तीन चांस। तीन चांस के अंदर अगर तूने कंप्लीट किया तो तुझे सारे के सारे गोल्ड मिल जाएगा। अबे यार ये लोग तो बहुत ही अजीब सा डिमांड है यार, स्टंट करने से इतना खुश हो रहा है। चलो ठीक है इनको थोड़ा सा खुश कर देते हैं, बदले में मुझे गोल्ड भी मिल जाएगा। चलो मैंने इसको शुरू कर दिया है, लेट्स गो। ये तो मुझे आसानी लग रहा है, इजीली मैं कर लूंगा। देख रहे हो ऐसे ही मैं आज को ऊपर आ रहे हैं। भाई साहब विंडमिल ने मार के मुझे इधर फेंक दिया है, मेरा एक लाइफ तो पहले ही गया। मुझे लगा कि आसान होगा, मैं इजीली पार कर लूंगा, लेकिन तो बहुत ही मुश्किल है। ये विंडमिल बहुत ही तेजी से घूम रहा है। चलो उनको पार करके मैं आ चुका हूँ इधर। ये वाला विंडमिल नीचे से आ रहा है, ओके इसको भी जाने देते हैं। ऑलराइट इससे भी बच गया, सामने और भी आ रहा है। भाई भाई इन लोगों ने तो बहुत ही खतरनाक रेस को बना के रखा है एंटरटेनमेंट के लिए। अबे एंटरटेनमेंट के लिए इतना खतरनाक रेस क्यों है, थोड़ा सा आसान होना चाहिए था। ऑलराइट चलो इसको भी पार कर लिया है, इसको भी जाने देते हैं। इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से करना होगा। भाई साहब इधर ही मेरे को गिरा देगा। इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा। कम ऑन थोड़ा सा और बाकी है, आखिरी का दो विंडमिल बच रहा है। चलो निकलते इधर से, कम ऑन। अबे सामने बॉल ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, इस बॉल को क्या हो गया? ऑलराइट पार कर ले इसको। अरे अरे आते थे बॉल ने भी मार दिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं पहुंच चुका हूं इधर। उस तरफ तो देखो कितने सारे विंडमिल है, उधर से तो मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा इधर से। ये वाला एरिया सही लग रहा है, इजीली जा सकते अपन। लेट्स गो लेट्स गो। अरे भाई ये क्या था, ये तो चीटिंग है। अब मेरे आखिरी लाइफ बचा हुआ है, उधर तो पूरा चीटिंग हो गया, नकली रास्ता बना के रखा है। खैर कोई बात नहीं, इस जगह को पार करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, इतने सारे विंडमिल एक साथ घूम रहा है। चलो सीधा निकलते हैं, किसी तरह मैं निकल कर आ चुका हूँ। मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे पार किया है, उतना मुश्किल जगह को पार कर लिया है। चलो इसको भी पार कर लिया। अब सामने देखो फिर से काफी सारे विंडमिल घूम रहा है, बहुत तेजी से जाना होगा। चलो अब इधर से भी निकला जाए, इजी जगह है। भाई सब क्या ही बचा हूँ, अब थोड़ा सा इधर उधर होता तो नीचे गिरता। खैर कोई बात नहीं, अपन फिर से आ चुके इधर। लेट्स गो, अब सामने और भी ज्यादा मुश्किल है। कम ऑन धीरे धीरे करना होगा, ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अपन कर सकते इसको। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है सामने वाला जगह ट्रैप होगा, क्योंकि वो इजी दिख रखा है। तो मैं इधर से घूम के चलता हूँ इन छतरियों के ऊपर से। ओके अबे यार बास के अंदर घुस जा। ऑलराइट किसी तरह निकल कर आ चुका हूँ। हर एक जगह पर विंडमिल ही विंडमिल, कितने विंडमिल के दो के रखा है। अबे यार विंडमिल तो खत्म ही नहीं हो रहा, शायद रेस अभी खत्म होने वाला है, इसलिए इतना मुश्किल होते जा रहा है। ऑलराइट इसको भी पार कर लिया है, चलो चलो फटाफट निकलते हैं। इसको भी पार कर लिया, यस फिनिश लाइन मुझे दिखाई दे रहा है। चलो यार ये रहा फिनिश लाइन, फाइनली मैंने इस रेस को फिनिश कर लिया है। अब फटाफट चलकर उन तीनों भाइयों से अपन लेते सारे के सारे गोल्ड को। ओ हेलो हेलो तुम्हारा बाइक, और मैंने स्टैंड रेस को कंप्लीट कर दिया है, तो फटाफट से गोल्ड दो मुझे। हम लोगों को बहुत मजा आया तेरा रेस देखकर, अभी हम लोग इधर से जा रहे, सारे के सारे गोल्ड तेरा है, बाय बाय। अबे हाँ यार सच में वो लोग मेरे सामने से गायब हो चुके हैं। खैर ऐसा भी डिमन होता है मुझे पता नहीं था। जो भी हो अपन अभी सारे के सारे गोल्ड को ले लेते हैं। ऑलराइट सारे गोल्ड को लेने से मेरे पास आ चुके हैं $10 million। चलो अपन इधर ही खड़े होते हैं, ऑनलाइन सबको मैंने खोल लिया है, अभी कहते हैं $10 million वाले सूट को बाय। अरे भाई साहब ये कैसा सूट मिला है, ये तो पूरे गोल्ड से बना हुआ सूट है,
अब मैंने नरक की गोल्ड लिया था इसलिए क्या मेरा पूरा बॉडी गोल्ड का बन चुका है, फोफड़े भी गोल्ड का बन गया है। खैर अब मेरे भागने का स्पीड भी तेज हो चुका है और मैं ऐसे बिना आग छोड़े भी उड़ सकता हूँ, ये तो काफी खतरनाक चीज है। अभी इतने पावर के साथ मैं सिटी की इस तरफ से उस तरफ चक्कर लगा रहा हूँ पर मुझे और डिमोन दिख ही नहीं रहा है। फ्रैंकलिन मुझे तेरी हेल्प चाहिए। और भाई साहब ये क्या था, शायद मुझसे किसी ने बात किया है। हाँ फ्रैंकलिन मैं मेफिस्टो बोल रहा हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तूने जिन डिमोन को मारा है मैं जाकर उनको लेके आ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुझे एक नरक की गेट को बनाना होगा। अरे ये कैसा मुसीबत है, मैंने सारे डिमोन को मारा है अभी वो लोग नरक नहीं जा पा रहा है। ठीक है मैं देखता हूँ मैं कहाँ पर गेट को बना सकता हूँ। तू ऐसी जगह पर गेट को बना जहाँ पर इंसान ना हो, नहीं तो नरक के गेट को देख कर बहुत सारे लोग डर सकता है। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, अपन थोड़ा सा दूर चलकर बनाएंगे गेट को जहाँ पर लोग ना हो। ये वाली आइलैंड मुझे सही लग रहा है, इधर आसपास कोई है भी नहीं। चलो इस जगह पर अपन बनाते हैं नरक की गेट। काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली मैंने इधर की गेट को बना लिया है। अभी बस मुझे गेट को पावर देना होगा, उसके लिए मैंने दो जनरेटर लाए। दो जनरेटर से उम्मीद है कि पूरा गेट पावर अप हो जाएगा और थोड़ी देर वेल्डिंग की जरूरत है फिर हो जाएगा ये वाली गेट तैयार। और भाई साहब ये क्या है, पीछे अचानक से बिजली चमकने की साउंड आया है। ओए फ्रैंकलिन ये तू क्या कर रहा है। अरे भाई कौन, डॉक्टर स्ट्रेंज। अरे मैं इधर नरक की गेट बना रहा हूँ ताकि मेफिस्टो आकर फंसे हुए डिमोन को लेके जाए। लेकिन मैं तुझे ऐसा करने नहीं दे सकता, तू मेफिस्टो को जानता नहीं, अगर तूने उसको धरती में लाया तो पूरी धरती के ऊपर राज करेगा, इसलिए मैं तुझे गेट बनाने नहीं दे सकता। अबे यार मेफिस्टो ने मुझे जिंदा किया है वो क्यों ऐसा करेगा, तू पागल है क्या, एक गेट मैं किसी भी हालत में बनाऊंगा। अगर मैंने मेफिस्टो को डिमोन को ले जाने नहीं दिया तो आज ही मैं मर जाऊंगा, मेरे आत्मा अभी पूरी तरीके से मेरे पास नहीं है, मेफिस्टो के पास भी है। तू जो भी बोल मैं तुझे गेट बनाने नहीं दूंगा। अबे तो फिर तू क्या मुझे मारना चाहता है, तेरी ऐसी की तैसी, कुछ भी हो जाए मैं इस गेट को बना के दम लूंगा, निकाल इधर से तू। ऑलराइट इसको मैंने मार के फेंक दिया है, अब मुझे जल्दी से जल्दी इस गेट को क्लियर करना होगा, बस मुझे दो जनरेटर को चालू करना होगा। अरे भाई साहब तो फिर से उठ कर आ चुका है, अबे तो थॉर की एक्स लेकर आ चुका मुझे मारने के लिए। हाँ मैं थॉर की एक्स लेके आया हूँ, मुझे पता है तेरे ऊपर मेरा मैजिक काम नहीं करेगा, लेकिन थॉर की बिजली से तू बच नहीं पाएगा, मैं तुझे थॉर की बिजली से ही तबाह कर दूंगा। एले फ्रैंकलिन मैं तुझे किसी भी हालत में उस गेट को खोलने नहीं दे सकता। अबे गेट के पास से तो दूर हट, ये तो मुझे सच में मारना ही चाहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज के बच्चे इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। चल अभी एक हाथ और एक हाथ, कम ऑन हार जा तू, डॉक्टर स्ट्रेंज के बच्चे अपने दोस्त को तू मारेगा, चल बेहोश हो जा अभी। ओके साथ से मैंने इसको बेहोश कर दिया है। अबे नहीं यार उठ के फिर से खड़ा हो गया, एक कर लग जाएगा। अरे भाई साहब यार डायरेक्ट कुल्हाड़ी से मारा है, ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास घोस्ट राइडर की पावर, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ है। अबे ये भी सेम तरीके से मुझे लात मार रहा है, अरे एक बार मर चुका हूँ दोबारा से मारना चाहता है क्या, चल बेहोश हो जा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कम ऑन एक का और ले, बेहोश हो जा अभी तू, उठ के मत खड़ा हो। ऑलराइट आखिरकार मैंने इसको बेहोश कर दिया है, फालतू में मेरे साथ पंगा ले रहा था, अब जल्दी से जाकर मैं गेट को खोलता हूँ नहीं तो और भी कोई आ सकता है। चलो गेट खुलते खुलते काफी देर हो चुका है लेकिन फाइनली मैंने गेट को खोल दिया है, अभी सर मेफिस्टो आ सकते हैं बाहर। शुक्रिया फ्रैंकलिन गेट को खोलने के लिए, आखिरकार मैं धरती में आ चुका हूँ, लेकिन तूने बहुत ही अच्छा काम किया है इसलिए मैं तुझे पूरी आत्मा लौटाता हूँ। खैर अभी के लिए मैं एक बार सिटी घूम के आता हूँ। लेकिन मिस्टर मेफिस्टो आप तो डिमोन को ले जाने वाले थे, आप सिटी में क्यों जाएंगे, अगर आप सिटी में गए तो लोग देखकर आपको डर सकता है, वैसे भी नरक आपके घर है। अरे नरक मेरा घर था, आप धरती मेरा घर होगा, मैं कुछ देर में पूरी धरती को नरक बना दूंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरी वजह से तो मैं धरती पे आ पाया हूँ। अबे यार सच में डॉक्टर स्ट्रेंज तो सही बोल रहा था, इसने तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया है, लेकिन मिस्टर मेफिस्टो मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकता। तू मुझे रोकेगा, मैंने ही तुझे पावर दिया था, ले तू मुझे रोकेगा, चलो मैं चलता हूँ अभी सिटी में। और भाई साहब सच में उसकी ताकत बहुत ज्यादा था, उसने मुझे क्या ही मारा है, अब मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर से ढूंढना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को मैंने इधर ही कहीं पर बेहोश किया था, कहाँ चला गया वो, ये रहा डॉक्टर स्ट्रेंज। ओए डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मैंने नरक की गेट को खोल दिया है और मेफिस्टो आकर सच में इस दुनिया को कब्जा करने के लिए चला किया है, तू कुछ भी कर मुझे बस 20 मिलियन डॉलर दे, अगर मैंने इस सूट को अपग्रेड कर लिया तो मैं जाकर मेफिस्टो को हरा सकता हूँ। अब मार खा के मजा आ गया, मैंने तुझे बोला था, खैर मैं तुझे टोनी के अकाउंट से 20 मिलियन डॉलर दे दूंगा, लेकिन फिर भी तू उसको हरा नहीं सकता, मेफिस्टो को हराने के लिए हमें घोस्ट राइडर को नरक की किंग बनाना होगा।
ठीक है ले तू 20 मिलियन डॉलर, टोनी को बताना मत, मैंने उसकी अकाउंट से दिया है। अभी मैं जल्दी से जाकर घोष डाटा को भेज रहा हूँ, तू गेट को खुला रखना। ये तो अच्छी बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी हेल्प करने के लिए मान गया है, उसने मुझे टोनी के अकाउंट से 20 मिलियन डॉलर दे दिया है। चलो मैं इधर खड़ा जाता हूँ, ऑनलाइन सबको मैंने खोल लिया है, अब फटाफट से करते 20 मिलियन डॉलर वाली सूट को बाय। ऑलराइट, 20 मिलियन डॉलर में ये मुझे कैसा सूट मिला है? ऐसा लग रहा है मैं कोई नरक के डीमन बन चुका हूँ, घोष डाटा नहीं। खैर जो भी हो, अपन अभी फटाफट चलते हैं उस गेट के पास, देखते घोष डाटा कब तक आता है। ओए फ्रैंकलिन, मैं आ चुका हूँ, तू बस मेरे जाते ही गेट को क्लोज कर देना, ठीक है? मैं अभी सीधे जा रहा हूँ नरक के अंदर। ऑलराइट, घोष डाटा चला गया है हिल के अंदर, अब मैं इस गेट को भी बंद कर देता हूँ साथ में जनरेटर को। उड़कर मैं आ चुका हूँ सीढ़ी के अंदर, मेफिस्टो के बच्चे है कहाँ पर? वो तो मुझे दिख नहीं रहा है, ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रहा है और बिजली कड़क रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर कोई उड़ रहा है, ये रहा मेफिस्टो। ओबे यार, इसने मुझे देखते ही मारना शुरू कर दिया है। अबे मेफिस्टो के बच्चे रुक जा, तू अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अभी हिल के किंग बन चुका है घोष राइडर। सच में मैंने इसको क्या मारा है, पहले मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा था, बट अभी क्या ही मारा है। चले का कॉल राइड, अरे नहीं ये तो मुझे मार रहा है। अब तू नरक का किंग नहीं रहा है, तुझे मारने में चुटकियों की काम है, ये ले तू। ऑल राइट, मेरे पास आग की पूरी ताकत आ चुका है, क्या ही टोर्नेडो बना दिया था मैंने। अबे उसकी बॉडी क्या कहाँ पर, ये रहा उसका बॉडी। सच में मैंने एक झटके में मेफिस्टो को हरा दिया है। इतनी आसानी से मैंने मेफिस्टो को इसलिए हरा दिया क्योंकि अभी नरक के किंग बन चुका है घोष राइडर, उसके पास ही मेफिस्टो की सारी पावर चला गया है। और भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अचानक से गिर क्यों रहा हूँ? और भाई साहब ऊपर से मैं क्या ही गिर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं फिर से नॉर्मल बन चुका हूँ, इसका मतलब घोष राइडर ने अपनी पावर ले लिया है। खैर गाइस, आपका जो वीडियो देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपन ऐसी ऑसम वाली जीडीएफएफ की वीडियोस लाएंगे। सब फिर मिलते हैं एक और ऑसम से वीडियो के साथ।